तो स्वागत है दोस्तों फिर से हमारे चैनल पर एक न्यू वीडियो। आज बताएंगे बैड न्यूज़ फिल्म की अपने लगभग 17 दिनों के अंदर के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ में आपको बताने फिल्म के अपने 17 दिनों के अंदर का टोटल बॉक्स ऑफिस को कितना कलेक्शन हुआ, साथ ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट से कितनी कमाई कर ली अपने 17 दिनों के भीतर। इसलिए वीडियो की आखिर तक बने, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आपको बता दें बैड न्यूज़ जो 2024 का एक हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनंत तिवारी ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया था करण जौहर, हीरो यश जौहर, अपूर्वा मेहता, अमित पाल सिंह बिंद्र और अनंत तिवारी ने। फिल्म के स्टार कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क। बात करें फिल्म के रिलीज डेट की तो फिल्म को लगभग 19 जुलाई को रिलीज किया गया था। फिल्म का रनिंग टाइम लगभग 140 मिनट का था। फिल्म को लगभग 3000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज किया गया। फिल्म का बजट लगभग 70 करोड़ रुपये है। तो फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आपको उससे पहले इस फिल्म की रिकवरी की बात करते हैं। फिल्म ने अपने डिजिटल साइट लगभग 38 करोड़ रुपये में अमेजन प्राइम को बेचे थे। वो फिल्म ने अपने सैटेलाइट साइट लगभग 17 करोड़ रुपये में कर्नल सिनेप्लेक्स को बेचे थे। फिल्म ने म्यूजिक साइट लगभग 10 करोड़ रुपये में सारेगामा को बेचे थे। इस तरह फिल्म ने अपने रिलीज होने से पहले लगभग 65 करोड़ रुपये की रिकवरी ऑलरेडी ही कर ली थी। तो फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं, फिल्म ने अपने पहले दिन कमाई की थी 8 करोड़ 62 लाख रुपये का। तो फिल्म ने अपने 3 दिनों के वीडियो यानी पहले वीकेंड के ऊपर फिल्म ने 30 करोड़ 62 लाख का कलेक्शन किया। तो फिल्म ने अपने पहले हफ्ते कमाई की थी 42 करोड़ 85 लाख रुपये का। तो फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते कमाई की 14 करोड़ 15 लाख का। तो फिल्म के 15 दिनों के अंदर का टोटल कलेक्शन हो चुका था इंडिया से नेट लगभग 59 करोड़ 81 लाख रुपये। तो फिल्म ने अपने 16वें दिन कलेक्शन किया लगभग 1 करोड़ 17 लाख का। तो फिल्म ने अपने 17वें दिन कलेक्शन किया 1 करोड़ 35 लाख का। तो फिल्म के अपने 17 दिनों के अंदर का टोटल इंडिया से जो नेट कलेक्शन है वो लगभग हो चुका है 62 करोड़ 33 लाख रुपये। तो फिल्म का अभी तक का यानी इंडिया से ग्रोस कलेक्शन लगभग 17 करोड़ रुपये हो चुका है। फिल्म ने अभी तक ओवरसीज के मार्केट से लगभग 35 करोड़ 41 लाख का कलेक्शन किया, जिसमें फिल्म का वर्ल्ड वाइड पर जो कलेक्शन है वो लगभग 109 करोड़ 58 लाख का हो चुका है। वही आने वाले कुछ ही दिनों में फिल्म लगभग 150 करोड़ का भी आंकड़ा पार करने में सक्षम रहेगी कि नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। इसी वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।